गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपके साथ बड़े महाराज जी की साखी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि बाबा सावन सिंह जी के समय की है। बड़े महाराज बाबा सावन सिंह जी का एक सत्संगी ठाकुर सिंह भजन नहीं करता था। एक दिन महाराज जी ने उसको कहा, ठाकुर सिंह 15 दिन बाद तुमने चोला छोड़ देना है। अब वो बहुत घबराया और लगा प्रार्थना करने कि आप लेख में मेख मार दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। महाराज जी ने कहा, ठाकुर सिंह मैं तो बाणे का फकीर हूँ, जब मेरा जवान 32 साल का बेटा चोला छोड़ रहा था, मैंने तो तब भी बाबा जी से फरियाद नहीं की, तो अब तेरे लिए क्यों करूं, तो भजन कर। ठाकुर सिंह ने कहा, सच्चे पाशाह सच्ची बात तो ये है कि मैंने कभी भजन किया ही नहीं। महाराज जी ने कहा, चल अब 15 दिन है, अब कर ले। बैठने की जांच है कि भूल गया? उसने कहा, जी बैठने की जांच तो है। महाराज जी ने उसको सामने बैठाया और कहा, ध्यान कहाँ लगाना है, ये याद है कि नहीं? ठाकुर सिंह ने कहा, जी वो तो भूल गया। महाराज जी ने अपने हाथ का अंगूठा उसके माथे पे लगाकर कहा, यहाँ ध्यान लगाना है। अंगूठा माथे पे लगाते ही वो पीछे की तरफ गिर गया और अंदर चला गया। जब बाहर आया तो महाराज जी ने पूछा, क्यों ठाकुर सिंह, ये देश अच्छा है कि वो देश? ठाकुर सिंह ने कहा, जी उस देश की क्या बात है, ना मिट्टी ना गंदगी, सोचने से पहले ही चीज हाजिर हो जाती है, वहां तो सुख ही सुख है। आप तो मुझे जल्दी से वहीं भेज दो, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। महाराज जी ने कहा, भेज देंगे 15 दिन के बाद। ठाकुर सिंह ने कहा, हजूर मुझे तो ये 15 साल की तरह लग रहे हैं। महाराज जी ने कहा, तुमसे कहा तो था भजन करो, अगर करते तो सबर संतोष भी आ जाता। ठाकुर सिंह बोला, महाराज जी ये भी तो आपकी गलती है। महाराज जी ने कहा, क्यों, मैंने तुमको भजन का तरीका नहीं सिखाया था? ठाकुर सिंह ने कहा, जी वो तो सिखाया था, लेकिन माथे पे अंगूठा थोड़ी लगाया था। महाराज जी और वहां की वजूद संगत खिलखिला के हंस पड़े। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, मुझे उम्मीद है आपको ये साखी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे संगत के साथ शेयर जरूर करें। गुरु प्यारी